Hello friends, welcome to PsArt. I am Lina Jain. In this channel, we are going to learn graphic designing in Photoshop. So please subscribe to this channel and press the bell icon to get all notification of my new videos. In this video, we will add wood grain texture to our picture frame by using clipping mask. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे मैंने PSD ओपन कर रखी है और wood grain texture देना है इसके लिए ये इमेज डाउनलोड कर रखी है. अब मैं फर्स्ट तरीका है तो ये है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो यहाँ पे इमेज को, और सेकंड तरीका ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करो डुप्लीकेट लेयर, और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट में फ्रेम डॉट पीएसडी वाले इसमें चाहिए डॉक्यूमेंट में मुझे, तो मैं यहाँ पे फ्रेम डॉट पीएसडी सेलेक्ट कर लूँगी और ओके कर दूँगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गई इमेज, इसकी डुप्लीकेट बन गई. अब मैं इसे रीनेम कर देती हूँ वुड ग्रेन, दे देती हूँ इसका नाम एंटर. अब मैं इसे कंट्रोल टी से सेलेक्ट करूँगी. ये बहुत बड़ी है इमेज, मैं पहले ऑल्ट की को होल्ड करते हुए इसको स्क्रॉल डाउन करूँगी और जूम आउट करूँगी. अब कंट्रोल टी करूँगी, ये सेलेक्ट हो गई. अब मैं इसे साइज में छोटा कर देती हूँ. अब मैं वापस इसको जूम इन कर देती हूँ, ऑल्ट की को होल्ड करते हुए स्क्रॉल अप करूंगी. अब जैसे मुझे मेरी पिक्चर फ्रेम जो है उस पे चाहिए, ये जो पिक्चर फ्रेम दिख रही है आपको, इस पे मुझे क्लिपिंग मास्क ऐड करना है, तो मैं इसे ऊपर कर दूंगी इस लेयर को. अब मैं इसे वापस ऑन कर दूंगी. अब यहाँ पे वुड ग्रेन जो है लेयर उस पर राइट क्लिक करूंगी और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, यहाँ से भी कर सकते हो और आप ये लेयर में जाके यहाँ से भी कर सकते हो, और इसका शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल जी है. ये हो गया. अब मुझे कलर देना है कोई, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊंगी. अब मैं एक बार कैंसिल करती हूँ. आप चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं, एफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस. अब मैं कलर ओवरले पे क्लिक करूंगी, तो आप देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट रेड कलर दे रहा है, मैं इस कलर को चेंज कर दूंगी. ये रख देती हूँ, अब ओके कर दूंगी. और ब्लेंड मोड जो है वो नॉर्मल है, इसे मैं कलर कर देती हूँ. अब ओके, तो ये वुड ग्रेन टेक्सचर आ गया. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही. सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you are a new visitor, then please subscribe to this channel and press the bell icon to get all notification of my new videos. So friends, that's all for today. Thank you for watching.